अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारिग बैठा तो मैंने सोचा उन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट कर लेता हूँ जो तुम लोगों ने मुझे बड़े ही प्यार से इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड की थी। तो चलो देखते हैं उन वीडियोस के ऊपर और उनके ऊपर अपनी एक प्यारी सी ओपिनियन भी देते हैं। आए हाय गोबर किंग, इसकी वीडियो तो मैं बड़े ही शौक से देखता हूँ, तो देखते हैं आज क्या ज्ञान देने वाले हैं ये हमें। आपका विवाह नहीं हुआ, अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ सूखा हुआ। आप 24 साल तक आपके शरीर में अलग एनर्जी होती है। मैं तो इस गोबर किंग को बड़ा ही शरीफ शाना समझता था, लेकिन ये साला तो कुछ ज्यादा ही ठरकी निकला। शरीर सूखा हुआ तो क्या तेरे पास आज अगली वीडियो है इमरान हाशमी के ऊपर। डरो मत, वो चुम्मा चाटी वाली वीडियो नहीं है। सो इमरान हाशमी को लेकर एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो हाफिजे कुरान है। तो इसको लेकर इमरान हाशमी का क्या कहना है देखते हैं। एक्टिंग में आने से पहले क्या आप हाफिजे कुरान थे? दिस इज नॉट ट्रू। ये हाफिजे कुरान क्या होता है? कि आप कुरान को बिना पढ़े आप पूरे चीज को आप रिसाइट कर सकते हैं। अच्छा, पर दिस इज नॉट। भाई साहब, सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि बड़ी बात है कि इमरान हाशमी को यह पता है कि हाफिज़े कुरान का मतलब क्या है। क्योंकि आजकल जितने भी बड़े बड़े ये मुस्लिम एक्टर्स हैं वो तो भूल भी चुके होंगे कि भाई साहब कुरान पाक क्या है। दूसरी बात जो इमरान हाशमी को लेकर मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वो इस्लाम को लेकर शो ऑफ नहीं करता। उसकी मैंने बहुत सारी ऐसी क्लिप्स देखी है जिनमें वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है, ठीक है, मास्क पहन कर। और जितने भी जो है ना एक्ट्रेसेस एक्टर्स ने उसके साथ काम किया है वो भी ये बताते हैं कि कैसे ये अक्सर हदीसों को लेकर हमें जो है ना नॉलेज देता रहा। तो इस चीज के लिए जो है ना इसके लिए तालियां तो बंद। आए हाय, फिर से ये गोबर किंग आ गया। चलो देखते हैं अब बोलेगा। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरु जी आखिरी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं। जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है, जी जी, उसके चार दांत नोकीले होते हैं। जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी चार नोकीले दांत दिए। हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर। ये बात जरा भी लॉजिकल नहीं है कि भाई साहब एक जानवर जो घास फूस खाता है, वेजिटेरियन है, वो अगर अपने होंठों से पानी पीता है और हम भी अपने होंठों से पानी पीते हैं तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए, इंस्टेड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये बात भी मुकम्मल तौर पे सच नहीं है कि जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं वो चाट कर पानी पीते हैं और जो गोश्त नहीं खाने वाले जानवर वो अपने होंठों से पानी पीते। फॉर एग्जाम्पल जिराफ को ले लो, खाता वो भी घास फूस ही है लेकिन फिर भी वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है चाट कर पानी पीने के लिए। अब क्या बोलोगे गुरुजी? और इसी तरह से हाथी को ले लो, हाथी भी मांस वगैरह नहीं खाता लेकिन फिर भी वो अपने होंठों का इस्तेमाल नहीं करता पानी पीने के, इंस्टेड उसकी वो जो ट्रंक है उससे वो जो है ना सक करके पानी पीता है। और वैसे भी गोबर किंग तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? ये साला गोबर किंग तुम अंधभक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। अबे ऐसे ही नहीं, इसके इतने मोटे मोटे गले हो रखे, इतने मोटे मोटे गले सब्जियां खा कर तो नहीं होते। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है गाय नहीं खाना चाहिए और खुद जब तक गाय के पांव की नली ना चटका ले साले को नींद नहीं आती। चलो यार अगली वीडियो देखते हैं। सो इसमें एक लड़की है जिसने हिजाबी इन्फ्लुएंसर, अभी मैंने ये वीडियो प्ले नहीं की लेकिन तुम लोग मेरे से लिखवा लो, इसके अंदर वो गाना लगा होगा लीली 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 ली। और ये औरत जो है ना बस नैन मटका करेगी और देखते हैं अब क्या करेगी, लेकिन पक्का ये गाना होगा। देखते हैं देखते हैं देखा। भाई साहब तुम्हें ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे लेकिन मुझे ये जो हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं ना मुझे ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। मेरे लिए इनमें और शबनम शेख मैडम में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही हिजाब का इस्तेमाल कर रही हैं लाइक्स और फॉलोअर्स कमाने के लिए। बस ये है कि ये वाली औरत जरा अकल के साथ हिजाब का इस्तेमाल कर रही है लाइक्स और फॉलोअर कमाने के, और शबनम शेख मैडम जरा अन्यवाह शुरू हुई। इन जैसी औरतों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको ये लगता है कि हम हिजाब पहनकर ये लीली लीली वाला सॉन्ग लगा कोई भी ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देंगी तो वो हलाल हो जाएगा। और हमारे काफी सारे मुस्लिम बहन भाई इनको सपोर्ट भी करते हैं। जब इनसे पूछोगे ऐसा क्यों कर रही हो तो इनका यही जवाब होता है कि हम तो
हिजाब को प्रमोट कर रही है। अबे तू हिजाब को नहीं बल्कि खुद को प्रमोट कर रही है ताकि ब्रांड प्रमोशन कोलैबोरेशन हासिल कर सके। और भाई साहब तुम मुझसे लिखवा लो कि जैसे ही तुम मुसलमानों ने इन हिजाबी इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करना छोड़ दिया तो तुम देखना कैसे ये अपना हिजाब उतार के घुमा के फेंकेंगी और उसी जीन्स पैंट में वापस आके ना इन्होंने नाच कर दिखा तो तुम बात करना। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ इन हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स को लेके, इसीलिए तो कॉमेंट सेक्शन बने, अपनी ओपिनियन दो, क्या मैंने सही कहा या गलत, अगर गलत कहा तो क्या कहा गलत मैंने और अगर सही कहा तो क्या चीज मैंने सही कही। अगर गलत हूंगा तो मैं अपना माइंडसेट चेंज कर दूंगा, तुम्हारी ओपिनियन अगर स्ट्रांग हुई तो मैं अपना ये माइंडसेट चेंज कर दूंगा, इसमें कोई गलत चीज तो बिल्कुल नहीं है। चलो अगली वीडियो देखते हैं अरशद वारसी के ऊपर। आपको हज करने का मन है कभी? कभी जस्ट एज अ प्लेस टू विजिट, नॉट वेरी रिलीजियस। आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन। या वो तो दिख रहा है। सो इस वीडियो के अंदर अरशद वारसी कहता है कि मैं हज नहीं करना चाहता और इस चीज के लिए इसको बहुत ही ज्यादा हेट भी मिला है और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ छोटी सी, तो लेकिन फिर एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर ये अपने हराम की कमाई से हज नहीं करना चाहता तो इसमें गलती क्या। अब ये उन सेलिब्रिटी से तो काफी ज्यादा बेहतर है जो अपने हराम की कमाई से हज करके बैठे हुए हैं और अगले ही दिन जो है ना डिस्को में जाकर छोटी छोटी बनाने पहनकर मुजरे कर रही है। और वैसे भी वो जमाना गया, वो दौर गया जब हज और उमरे जैसी अजीम इबादतों के लिए बुलावा आया करता था। आजकल के जमाने जिसकी जेब में हराम का पैसा है वो हज उमरा करके आ जाता है और फिर अपने गुनाहों की दुनिया में वापस आ जाता है। बाकी अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके जरूर बताना और अगर आपके पास भी ऐसी मजे मजे की वीडियोज हैं जिनके ऊपर हम रिएक्ट और अपनी ओपिनियन दे सकते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस बनाता रहूंगा इंशाल्लाह। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी ओपिनियन दी हैं क्या तुम उनसे इत्तफाक करते हो या नहीं करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि मैं एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूर ले सकता हूँ। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।